हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उड़ता कबूतर में। दोस्तों, आप सामने की लोकेशन देख के समझ गए होंगे कि आज हम कहां पर हैं, या नहीं समझे हो तो मैं आपको बता देता हूं। आज हम हैं आसन नदी के पुल पर, जिसकी वीडियो हमने 3 हफ्ते पहले बनाई थी। 3 हफ्ते बाद इस पुल में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना इस पुल पर कितना काम किया गया है, इस चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे। इस पूरी की पूरी जानकारी को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए। तो दोस्तों, हम अपने घोड़े पर से उतर कर और आपको ले चलते हैं आगे की वीडियो में, बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। दोस्तों, ये जो पुल है, इस पुल जो नदी पे बना हुआ है, उस नदी का नाम है आसन नदी। इस नदी पर जो सामने आप देख रहे होंगे, ये कितना बड़ा पुल बनाया जा रहा है। ये पुल लगभग जो सांक नदी बामोर पे बना हुआ है वो, और जो अंबिकेश्वर यानी कि जो कुरई नदी बनी हुई है वो पुल, और ये पुल लगभग एक ही साइज के, एक ही लंबाई के होने वाले हैं। आप मेरे सामने ये पुल की आप सामने वीडियो देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे इस पानी रोक के यहाँ पर पुल बनाने का काम किया जा रहा है। ये सामने येलो टी शर्ट में भैया खड़े थे, इन्होंने ही हमारे लिए वीडियो बनाई थी जब बाइक चला रहे थे। और आप सामने पोल्स दिख रहे होंगे, ये पोल्स जो जा रहे हैं, जो वहाँ पटरी लगी हुई है, ये जा रही है सुमावली की तरफ। और सामने देखिए, सूरज जो है धीरे धीरे अब ढल रहा है, नीचे आ रहा है, और आप यहाँ आसन नदी के पुल का नज़ारा देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये, हम जो दृश्य देखते हैं ना, वो आपको सामने देखते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मोबाइल में देखते हो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जो हम शाम को देख के आए हैं वो उसमें बात ही कुछ बहुत अच्छी थी, अलग बात थी। तो अब आप देख सकते होंगे सामने जो वर्कर्स लोग हैं वो पुल के अंदर नट बोल्ट कसने का कार्य कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे इस पुल पर नट बोल्ट कसने का काम चल रहा है, जिसके लिए जनरेटर्स वगैरह लगाए गए हैं। अभी हम आपको जनरेटर्स दिखाएंगे, आगे कैसे जनरेटर्स लगे हुए हैं और कैसे इस काम को किया जा रहा है ये भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो बने रही है। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, या बहुत अच्छी लगती हो, या बहुत बेकार लगती हो, कुछ भी होता हो, आप लोग वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो में ये कमी है, ये अच्छाई है, ये कमी है, ये अच्छाई है। उससे क्या होगा, हमको फीडबैक मिलेगा, हम उसको उस चीज़ को सुधार सकते हैं। कुछ ना कुछ सुधार तो करेंगे, है ना दोस्तों। तो आप सामने देख सकते हैं कैसे इस पुल के लिए सपोर्टिव जो आप लोहे के नीचे पिलर्स देख रहे होंगे, ये टेम्प्रेरी पिलर्स होते हैं, इनको बाद में हटा लिया जाता है। नीचे आप जो पुल के जस्ट नीचे येलो कलर की एक दिख रही होगी आपको, और ये आपको सामने जूम करके दिखा रहे हैं, ये जैक पे भी पुल रखा हुआ है। जैक जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, और जो येलो कलर की लाइन सी दिख रही है, ये जो है एक टेम्प्रेरी स्लाइड्स होती हैं, इस पर पुल को बनाया जाता है, उसके बाद इसको हटा लिया जाता है, फिर पुल को उनके पिलर्स पर रख दिया जाता है। यहाँ पर कुल 3 पिलर्स हैं आप देख रहे होंगे, सॉरी 2 पिलर्स हैं, और बाकी जो है 2 साइड जो है जो ज़मीन से कनेक्टेड है अपने, जो पटरी सीधे वहाँ तक आएगी तो वो पिलर ही कहलाएंगे एक तरीके से। और आप यहाँ सामने देखिए, अभी आपको पूरा का पूरा दृश्य दिखाने वाले इस पुल का। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले जब हम इस जगह पर आए थे तो हमने आपको दिखाया था कि पिलर बन चुके थे, पुल का जो ब्रिज का सामान है वो आ चुका था, इसके अलावा और कुछ काम नहीं हुआ था। अब आप देख रहे होंगे कि पुल का जो काम है, मुझे लग रहा है कि लगभग 80% काम हो चुका है। आप ये पानी का जो नज़ारा है ये देखिए पुल का, जो और जो सामने से आसन नदी का झरना बह रहा है वह देखिए। इसके बाद हमने हालांकि खूब इंजॉय किया था इस पानी में, पर वीडियो बनाने के बाद। दोस्तों, आप लोगों को ये जो पुल सामने दिख रहा है, इसके बारे में बता दूं कि ये सुमावली से लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, सॉरी 3 किलोमीटर के आसपास दूर है, और यहाँ से जोरा लगभग बैठेगा 10 किलोमीटर के आसपास, कुछ इस प्रकार का हिसाब किताब है। ये जो सामने हम जा रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं धीरे धीरे, ये अब सीधे जाएंगे, अब जहाँ से जोहरा के लिए ट्रैक जाएगा, हम ट्रैक रेलवे ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर ले जा रहे हैं, यानी कि पुल की शुरुआत में, पुल जहाँ से जोहरा की तरफ शुरू होता है उधर की तरफ ले जा रहे हैं। आप इस पुल को देखिए, केवल 3 हफ्ते के अंदर इतना काम खींच देना, इससे ये पता चल रहा है कि रेलवे
अपनी रेलवे लाइन को इलेक्शन से पहले चलाने के लिए कितना आतुर है। क्योंकि आप देखिए ये जो काम हो रहा है बहुत फास्ट का चल रहा है, बहुत फास्ट। और आपको बता दें कि कुछ दिनों में आपके लिए जो बामोर जो रायरू से ले जो सॉरी ग्वालियर से लेकर बामोर तक पूरा कनेक्ट हो चुका है, यानी कि रेलवे लाइन से पूरा का पूरा कनेक्ट हो चुका है, उसकी वीडियो हम आपको जल्दी लेके आएंगे। और तब तक आप इसको देखिए ये पुल को। दोस्तों पुल की अपडेट में हम आपको ज़्यादा क्या बताएं, आप सामने पुल देख रहे हैं, आपको दिख ही रहा है उस पर कितना काम, क्या कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं है। और यहाँ पे आसपास देखिए आप पूरा का पूरा नज़ारा खेत वेत लगे हुए हैं। और यहाँ पे अभी भी केवल केवल इस पुल के कारण और जो कुरई नदी बना हुआ अंबिकेश्वर पुल के कारण अभी तक यहाँ तक पटरी बिछती हुई नहीं आ पाई है, इन दो पुल के कारण। जैसे ही इन दोनों पुल का निर्माण हो जाता है पटरियाँ बिछते हुए यहाँ से जाएंगी। और हो सकता है दोस्तों यहाँ पर पटरियाँ जो बिछे हैं वो मशीन द्वारा लगाई जाएँ, पब्लिक द्वारा नहीं मशीन द्वारा। आप जहाँ सामने देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा लोहे के पिलर्स रखे हुए हैं, ये टेम्प्रेरी होते हैं, इनका काम हो जाता है फिर इसको ट्रक में लोड करके जहाँ दूसरी का पुल बनाना होता है वहाँ ले जाते हैं, ये अक्सर काम किया जाता है। और अभी आप देखिए अभी जो पुल रखा हुआ है वो केवल केवल जैक पर रखा हुआ है, आप सामने देखो है ना, ऊपर देखिए पूरा का पूरा पुल इस नज़ारे में पूरा दिख रहा है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ट्रैक्टर वाइस निकल गए पकड़ में धूल उड़ाते हुए, वैसी गर्मी बहुत थी। अब आप देखिए नीचे से थोड़ा आपको पुल का नीचे से दिखा देते हैं, हालांकि कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें पुल के नीचे नहीं जाना चाहिए पर हम चले गए, क्यों चले गए पता नहीं पर हम चले गए। आपको नीचे से दिखा देते हैं कि पुल नीचे से कैसा दिख रहा है, ये देखिए ये जो बीच के दो दिख रहे हैं क्रॉस के बीच में दो लाइन दिख रही होंगी, इसी पर पटरी बिछाई जाती है, इसी के ऊपर जो सस्पेंशन स्लीपर्स होते हैं स्टील के स्लीपर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, उसके बाद उस पर पटरी लगाई जाती है। यहाँ आप देखिए ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है और गैलवेनो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इस पुल को बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने सामने बगल में बॉक्स देखा होगा उसको देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सी कंपनी किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। और अभी यार आपको चल के दिखाते हैं थोड़ा सा दूर ले चलते हैं और दूर से पुल का नज़ारा दिखाते हैं कि कैसा ये पुल का नज़ारा दिखाई देता है। अभी इस पुल को पूरा बनाया जाएगा, नट बोल्ट कसे जाएंगे, उसके बाद भी नीचे के टेम्प्रेरी जो प्लस रखे उनको निकाला जाएगा, उसको निकालने के बाद इस पर कलर वलर किया जाएगा, कलर सॉरी हो चुका है थोड़ा बहुत जो भी कुछ होगा ताकि जंगबंग ना लगे उसके हिसाब से। और अभी आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, आप सामने देख ही रहे होंगे जिस जनरेटर की बात कर रहा था वो रहा ही है, इस जनरेटर से पावर सप्लाई किया है। और आप येलो येलो कलर की केबल देख रहे होंगे, इस केबल से जो ऊपर बोल्ट कसने की जो मशीनें चल रही हैं उसको चलाया जा रहा है। और ये सामने ट्रैक्टर्स हैं और जो आखिरी प्लस आप देख रहे हैं अभी उसको पूरी फिलिंग की जाएगी, जो ट्रैक दिख रहा है उसके लेवल से पूरी की पूरी इसकी फिलिंग की जाएगी, फिलिंग करने के बाद ट्रैक को डाला जाएगा। और जो सामने देख रहे हैं आपको सीमेंटीकरण किया जाएगा ताकि जो पिलर्स का पुल से इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। और पत्थरों का तो आपको पता ही है पत्थर के हिसाब से जमा जाता है पुल पर ताकि जो मिट्टी का कटाव है वो ना हो। तो दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देखा और आप सामने वर्कर्स को देखिए कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो देख के क्या समझ में आया, वीडियो देख कर आपको ये लगा कि रेलवे द्वारा प्रोग्रेसिव काम बहुत तरीके से किया जा रहा है। और ये जो लाइन जा रही है इसकी मैं आपको पहले ही वीडियो अपडेट पहले ही दे चुका था, इसलिए इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, केवल और केवल खम्भों पर जो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे जो पायर्स के लिए सपोर्ट्स होते हैं वो लगाई जा चुकी है, इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। अब दोस्तों सीधा हम आपको जो सुमावली का रेल फाटक है, जो पुराना रेल फाटक है वहाँ आपको ले जाते हैं और वहाँ आपको दिखाएंगे कितना काम इस जगह पर हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जिन लोगों आप बताना चाहते हैं कि इस एरिया में कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है तो उन लोगों को आप वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, आप लोगों के एक लाइक और शेयर से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। और जो आप लोग नए लोग आते हैं वीडियो पर जो देख के चले जाते हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की और वीडियो हम आपको ला के देते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं यानी कि आपको वीडियो पसंद आती हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते, उसकी वजह से होता ये है कि जो हमारे नए अपडेट्स हैं वो आपको मिल नहीं पाते। अब दोस्तों हम आ गए सीधे सुमावली के रेल फाटक पर और यहाँ आप देखेंगे ये आसन नदी के लिए सीधा रास्ता जा रहा है, इधर ये बगल से जो रास्ता जा रहा है फाटक के लिए वो जा रहा है हथरिया के लिए। दोस्तों जो आपने समय निकाल के हमारी वीडियो को देखा
और उससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, तो उसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जो भी कि बहुत जल्द आने वाली है, उस तक के लिए आप उसका इंतज़ार कीजिए और हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के अगली वीडियो में आप लोगों का फिर से इंतजार करेंगे। तब तक के लिए दोस्त दिल से आभार, नमस्कार, जय भारत।